हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास एट्थ की साइंस का फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर में आपका क्या है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो ये बुक आपकी जो लगती है एनसीईआरटी की, उसी का है। तो चलिए देखते हैं इसका हम बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन आंसर करेंगे सारे। और जो भी आपके डाउट्स हो आप कमेंट में बताइएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो आपके पास तक उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच जाए। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये रहे इसके क्वेश्चन आपके सामने इस लेसन के। तो अभ्यास क्वेश्चन है, अभ्यास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट नंबर में क्या है, देखिए क्या करना है इसमें। उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो उचित शब्द आपके सामने हैं, इतने शब्द दिए हैं, इनको रिक्त स्थानों में जो सही है उनको उनमें फिल करना है, उसमें उसको भरना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर का नंबर है एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं। तो यहाँ आप क्या भरेंगे, फर्स्ट नंबर में आपके क्या हो जाएगा, फसल। फर्स्ट नंबर में क्या आंसर हो जाएगा इसका, फर्स्ट नंबर होगा आपका फसल, यहाँ भर देंगे। ठीक, अब सेकंड नंबर देखिए, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की होती है। मिट्टी को क्या किया जाता है, जब फसल उगाने के लिए प्रथम चरण किया जाता है तो उसको उसमें क्या किया जाता है मिट्टी का, तो उसमें आपका होगा मिट्टी की तैयारी होती है। अच्छा, मिट्टी को तैयार किया जाता है, तो सेकेंड का आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सही हो जाएगा, यहाँ भरेंगे तैयारी। आगे बढ़ते हैं, अब थर्ड नंबर है रिक्त स्थान आपके सामने, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर लगेंगे, क्या होते हैं आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए हम आपको दिखाते हैं क्या होगा, तैरने लगेंगे, क्या हो जाएगा इसमें, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तैरने लगेंगे। तो यहाँ थर्ड में आप भरेंगे तैरने लगेंगे यहाँ पास। अब देखिए फोर्थ नंबर क्या है, घ नंबर, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी में क्या भरेंगे, पोषण तथा जल आवश्यक है, आपके ऑप्शन में दिया हुआ है ऊपर नीचे, आप ये फिल कर सकते हैं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा, यहाँ भरेंगे पोषण या जल। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कालम ए में दिए गए शब्दों को कालम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कालम बी से कीजिए, अर्थात जोड़ी मिलाना है, जो भी सही है उसकी जोड़ी मिलाना है। तो क्या दिया हुआ है, कालम ए में दिया हुआ है खरीफ फसल, रबी फसल, रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद, और इसमें क्या है, मवेशियों का चारा, यूरिया एवं सुपर फास्फेट, पशु अपशिष्ट गोबर मूत्र एवं पादप अपशेष, गेहूं चना मटर एवं धान एवं मक्का दिया हुआ है। तो इसको चलिए जोड़ी हम लोग मिलाते हैं। तो आपके फर्स्ट नंबर का हो जाएगा खरीफ की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल होगी आपका ये वाला ऑप्शन, धान और मक्का जो है वो खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल क्या होता है, जून और जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। तो धान और मक्का था चावल जो होता है इसका आपका आंसर होगा, फर्स्ट नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ये। और आगे देखिए सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है रबी की फसल। तो रबी की फसल कौन कौन सी है, रबी की फसल है आपकी ये वाली डी नंबर, इसका उत्तर हो जाएगा इसका सेकंड नंबर का ये उत्तर है। ठीक, गेहूँ चना मटर। तो अब आपको एक ट्रिक बता देते हैं याद करने के लिए, रबी की फसल, रवि आप याद कर लीजिए, सूर्य का क्या है पर्यायवाची क्या होता है, रवि होता है ना, तो उसी से आप याद कर सकते हैं कि सूर्य का पर्यायवाची रवि है, अर्थात जब सूर्य बहुत तेज चमकता है, भारत में बहुत गर्मी होती है तो जो फसल उस समय काटी जाती है उसको क्या बोलते हैं, रवि की फसल, गेहूं चना मटर ये सब गर्मियों में काटी जाती हैं उधर मार्च अप्रैल के समय में। ठीक, तो इसी तरह से आप याद कर सकते हैं आसानी से। थर्ड नंबर क्या है, रासायनिक उर्वरक कौन कौन से हैं, थर्ड का आपका रासायनिक उर्वरक का क्या हो जाएगा, रासायनिक उर्वरक का हो जाएगा सेकंड नंबर उत्तर, ये जो यूरिया और सुपर फास्फेट है इसको क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं रासायनिक उर्वरक। ठीक, जो फसल की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती हैं, उत्पाद को बढ़ाती हैं। और जो फोर्थ नंबर है कार्बनिक खाद जो होता है, ये हो जाएगा सी नंबर जो है, ये आपका फोर्थ नंबर का उत्तर है, क्या है फोर्थ नंबर का आंसर है ये सी, पशु अपशिष्ट गोबर मूत्र और पादप अपशेष जो है उसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक खाद बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। तो आप कोई भी चीज़ अगर जो पढ़ते हैं तो समझ के पढ़िए, एग्ज़ाम के लिए पढ़िए, तो उसमें आपका जो है ज्ञान भी मिलता है और परसेंट भी आपको परसेंट बनाने के लिए उसमें आपका अंक भी अच्छा आएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित के दो दो उदाहरण दीजिए। का नंबर खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल के सामने आप लोग क्या लिखेंगे, इसके दो उदाहरण जो हैं। देखिए खरीफ की फसल कौन सी होती है, जो जुलाई जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। इनके दो उदाहरण हैं, चावल अर्थात जो धान होता है, मक्का, कपास, मूंगफली। ठीक, हम आपको चार बता दे रहे हैं आपके ज्ञान के लिए, कौन कौन सी है, चावल, मक्का, कपास और मूंगफली होती हैं खरीफ की फसलें। और रवि की फसल क्या होती है, जो जब सूर्य बहुत ज़्यादा चमकता है, हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, जब सूर्य बहुत ज़्यादा चमकता है जो फसलें उस समय काटी जाती हैं वो कौन सी होती हैं, रवि की फसल होती है। इनकी बुआई कब होती है, अक्टूबर नवंबर में, और कब काट ली जाती हैं, मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। तो इनका उदाहरण है गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, चार उदाहरण हम आपको बता रहे हैं इनके, आप इसको याद कर लीजिए, आपके ज्ञान के लिए अच्छा होगा। ठीक, तो क्या क्या है, गेहूँ, चना, मटर, सरसों और अलसी। अब नेक्स्ट है, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए बच्चों फोर्थ नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। एक एक पैराग्राफ था, तीन चार लाइन आपको उनके बारे में लिखना है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, देखिए मिट्टी तैयार करना, तो ये देखिए फर्स्ट नंबर का आंसर क्या है आपके सामने, लिख लीजिए अपने फेयर में इसको, आसानी से वीडियो को रोककर फिर वीडियो को चलाकर आप आगे देख सकते हैं। तो क्या है, यह प्रक्रिया फसल उगाने का प्रथम चरण है। ठीक, ये याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि फसल उगाने का प्रथम चरण क्या होता है, क्या होता है, मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को पलटने और पोला बनाने से पौधों की जड़ें गहराई तक जाकर श्वसन कर सकती हैं। पोली बनाई हुई मिट्टी में केचुआ और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि में सहायता मिलती है, तथा ये मिट्टी को और अधिक पोला पर ह्यूमस बनाते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी पलटने से पोषक पदार्थ क्या होते हैं, मिट्टी पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, जो अच्छी फसल उगाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अब इसको लिख लीजिए, यही है आपका ये पैराग्राफ। सेकंड नंबर देखते हैं, अब सेकंड नंबर क्या है, बुआई का नंबर। तो आपका बुआई देख लीजिए क्या है, यह फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को तैयार करने के पश्चात खेत में बीज बोए जाते हैं। उचित दूरी व गहराई पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है। बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता किस्म के साफ स्वच्छ बीजों का चुनाव करना जरूरी होता है। उचित बीजों को चुनने के बाद इन बीजों को उचित गहराई तथा उचित दूरी पर बोना चाहिए, ताकि प्रत्येक पौधे को पर्याप्त हवा, प्रकाश यानी ताप, खनिज और पानी मिल सके। बुआई के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। बुआई की ये विधियाँ कौन कौन सी हैं, परंपरागत औजार विधि और सीड ड्रिल जो ट्रैक्टर द्वारा की जाती है, और एक बैलों से की जाती थी पहले, अब तो ट्रैक्टर बहुत सारे चलने लगे हैं तो हर जगह ट्रैक्टर का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है, आगे है निराई। गा नंबर आपका है निराई, तो इसको भी देख लीजिए क्या है। तो निराई में क्या होता है, देखिए निराई में खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। फर्स्ट नंबर का जो कोई पूछ ले कि निराई क्या है, तो निराई क्या होती है, खरपतवार को हटाने को क्या बोलते हैं, निराई बोलते हैं। निराई नहीं करने से खरपतवार, खरपतवार किन्हें बोलते हैं, वो जो हम लोग फसल लगाते हैं उनके अलावा कुछ पौधे जैसे जिनको बोलते हैं चारा वारा बोलते हैं, तो आ जाते हैं उगाते हैं फसल के साथ, उन्हीं को बोलते हैं खरपतवार, जो फसल को ख़राब कर सकते हैं। तो निराई नहीं करने से खरपतवार जल पोषक तत्व आदि ग्रहण कर फसल की वृद्धि को प्रभावित कर देते हैं। जो पोषण और जल होता है वो सब अपने खुद ले लेते हैं, और पौधों को ये सब नहीं मिल पाता है, जिससे पौधे ख़राब हो जाते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने पर धूप के कारण खरपतवार मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सबसे सही समय फूल और बीज बनने से पहले होना चाहिए। खरपतवार को हाथ, खुरपी आदि की सहायता से हटाया जा सकता है। तो इसको भी आप लिख लीजिए अपने नोट्स में और अच्छे से याद कर लीजिए। फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर है थ्रेसरिंग। थ्रेसरिंग क्या होता है, तो थ्रेसरिंग किसको बोलते हैं, खेतों से काटी गई फसल के बीजों या दानों को भूसे से अलग करने के प्रक्रम को क्या बोलते हैं, थ्रेसरिंग। ये हुई आपकी डिफिनेशन थ्रेसरिंग की, ये क्या हो गई, परिभाषा हो गई। उसके आगे उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। थ्रेसिंग करने के भी कई तरीके होते हैं, जैसे छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर विनोइंग द्वारा, इसको क्या बोलते हैं, फटक कर विनोइंग द्वारा अलग करते हैं, और बड़े खेत वाले किसान कंबाइन मशीन का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो
वो उसके द्वारा बीजों को भूसे से अलग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बच्चों फोर्थ नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में है कि स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको अंतर लिखना है। उर्वरक और खाद में क्या करना है, अंतर लिखना है। चलिए इसको हम देखते हैं, आपके बुक में ही है इसको, और NCERT इतना अच्छा समझा के देता है कि आपको आसानी से याद हो जाए, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, तो आपके बुक में से ही हम आपको बताते हैं। चलिए, तो ये रहा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है देख लीजिए। फर्स्ट नंबर क्या है, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। क्या होता है, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण होता है। खाद क्या होता है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, जो मवेशियों का गोबर होता है, एवं पौधे के अवशेष, जो पौधों के भाग जो है पत्ती और कुछ भी टहनी सड़ जाती हैं ज़मीन पर गिर के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है, तो वही क्या होता है, खाद बन जाता है। ठीक, सेकंड नंबर आपका क्या है, देखिए सेकंड नंबर, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है, फैक्ट्रियों में होता है, और खाद की तरह देखिए, खाद खेतों में बनाई जा सकती है, किसान इसको अपने से ही बना सकते हैं खाद को। थर्ड नंबर देखिए, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। ह्यूमस क्या होती है, एक उर्वरक ह्यूमस आपकी होती है पेड़ पौधों के जो अवशेष होते हैं सड़े गले तथा जो मवेशियों का गोबर होता है, वही उसमें क्या होता है कि उर्वरा शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं, वो होता है आपका ह्यूमस। ठीक, तो यह क्या होता है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, और खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, जो बनाई जा सकती है आसानी से किसानों द्वारा। ठीक, तो ये ज़्यादा अच्छी होती है, आप मान लीजिए। फोर्थ नंबर क्या है, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुरता में होता है। ठीक, और खाद की तरफ देखिए, फोर्थ नंबर, खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होता है। इसमें पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होता है, इसलिए आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसका इस्तेमाल करते हैं, उर्वरक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, अपनी फसल की जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक, तो इसको आपने नोट में अच्छे से लिख लीजिए इसी तरह से। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन आपके, छठवां क्वेश्चन, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक, तो इसको चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डालेंगे हेडिंग सिंचाई। ठीक, हेडिंग क्या डालेंगे, हाँ आप डालेंगे सिंचाई हेडिंग, और उसके बाद हम आपको बताते हैं क्या लिखना है आगे। यहाँ से आप लोगों को लिखना है यहाँ से। ठीक, यहाँ से आप लोग लिखिए हेडिंग डालने के बाद, स्वस्थ फसल एवं वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। इतना केवल आपको लिखना है। ठीक, और अगर जो आपको ज़्यादा जानने के लिए आप जिज्ञासु हैं तो आप आगे ही पढ़ सकते हैं, आपके बुक का ही इसमें दिया हुआ है टोटल। देखिए हम आपको दिखा देते हैं सिंचाई के बारे में थोड़ा और जानकारी। सिंचाई के बारे में क्या है, सिंचाई के बारे में कि जीवित रहने के लिए, उत्तर में केवल आपको वहीं तक लिखना जहां आपको बता दिए हैं टिक मार के, और जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। जल में से पौधे क्या लेते हैं, खनिजों को भी ले जाते हैं और उर्वरक को भी ले जाते हैं। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, अर्थात अगर जो बीज सूख जाएंगे तो उनसे पौधे वो नहीं बन सकते हैं, उनसे अंकुरण नहीं हो सकता है। तो आपके हम ज्ञान के लिए हम आपको इतना बता दें, लेकिन आपको लिखना केवल उतना ही है।
तो इस क्वेश्चन में आपको लिखना है जिसमें आप जल संरक्षित कर सकते हैं, जल को बचा सकते हैं, वो विधियाँ लिखना है। तो देखिए सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, जो आधुनिक विधियाँ उसमें हम लोग जो मानव क्या कर रहा है, जल को बचा भी ले रहा है, ठीक, जिससे जल का ज़्यादा खपत ना हो और जल खराब ना हो। तो देखिए इन विधियों में कौन सी विधियाँ, पहली विधि है आपके सामने ये विधि है छिड़काव विधि द्वारा, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, ठीक, जहाँ जल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कम मात्रा में होता है, वहाँ इस विधि का उपयोग होता है ताकि ज़्यादा जल खराब, ज़्यादा पानी की खपत ना हो, जल खराब ना हो, ठीक। आगे क्या है देखते हैं, तो आपको हेडिंग डाल के पहले यही लिखना है, ठीक, जल ज़्यादा खराब ना हो, यहाँ तक। और आगे क्या है, अगली विधि क्या है, दूसरे नंबर की अगली विधि है आपके सामने के ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ में गिरता है, अतः उसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। इसमें भी ज़्यादा जल खपत नहीं होता है, जल का खपत ज़्यादा नहीं होता है, इसमें जल का संरक्षण कर सकते हैं, जो भी जल जाता है उसका डायरेक्ट उपयोग होता है, ठीक। तो ये दो विधियाँ आप यहाँ तक लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने सातवां नंबर क्वेश्चन। देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। तो इसका आपका आंसर आपके सामने है, गेहूं एक रबी फसल है, इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है, क्या होती है, खरीफ ऋतु जून से क्या होती है, सितंबर तक होती है। इस समय वर्षा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु भी कहते हैं। यदि गेहूँ को इस समय उगाया जाए तो गेहूँ के पौधे अधिक मात्रा में पानी, गेहूं के पौधों को क्या होगा, अधिक मात्रा में पानी मिलेगा, पानी मिलने की वजह से सड़ कर क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि गेहूं को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। पानी की आवश्यकता किसको होती है, धान को होती है, जैसे धान हो गया आपका, मक्का हो गया, कपास हो गया और मूंगफली हो गई, इनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें खरीफ की ऋतु में उगाया जाता है। तो यही कारण है गेहूँ को खरीफ ऋतु में नहीं उगाया जा सकता, ठीक, इसको आप नोट्स में लिख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एट्थ नंबर क्वेश्चन है, देखिए खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी का क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे उसकी उर्वरता भी कम हो जाती है, ठीक, उनका उत्पादन कम होने लगता है। यही कारण है खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए और खेत को कुछ समय के लिए परती छोड़ देना चाहिए। परती का मतलब होता है खाली, उसमें कुछ भी ना बोया जाए, छोड़ देना चाहिए। एक अन्य तरीका फसल चक्रण है, एक अन्य तरीका क्या है, फसल चक्रण। इससे किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन पुनः पूर्ण हो जाता है, अर्थात एक ही तरह की फसल भी खेत में नहीं उगाना चाहिए, हर वर्ष चक्रण की तरह बदलते रहना चाहिए, अलग अलग फसल को उगाना चाहिए, जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी खत्म नहीं होती और नाइट्रोजन पूर्ण होती रहती है, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, खरपतवार क्या हैं, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो खरपतवार के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए जानकारी, खेत में फसल के साथ कई अवांछित बेकार, जिसको क्या बोलते हैं, खराब, जिनका कोई भी काम ना हो, पौधे उग आते हैं, उन पौधों को खरपतवार कहते हैं। इनको निराई के द्वारा हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। क्यों प्रभाव डालते हैं, क्योंकि जो भी उसमें पानी दिया जाता है, जो भी उसमें रासायनिक उर्वरक दिए जाते हैं, वो उनका यूज़ खुद कर लेते हैं, उनका यूज़ फसल नहीं करने पाते, जिससे कि फसल ख़राब हो जाती है और वो आराम से बढ़ते रहते हैं, ठीक, प्रभाव डालते हैं और पशुओं एवं मनुष्यों के लिए विषैले हो सकते हैं। इनको नियंत्रित करने के लिए निम्न तरीके हैं, इनको भी देख लीजिए क्या है। फर्स्ट नंबर, फसल उगाने से पहले खेत जोत कर इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं। सेकंड नंबर है, फूल एवं बीज बनने से पहले हाथ से खुरपी आदि की सहायता से पौधों को उखाड़ कर, अर्थात जो खरपतवार वाले पौधे उनको उखाड़ कर। थर्ड नंबर है आपका, खरपतवार रसायनों का उपयोग करके, जो बाज़ार में रसायन आते हैं इनको नष्ट करने के लिए कुछ दवाइयाँ आती हैं, उनका उपयोग करके, उनका छिड़काव करके, और आजकल उनका उपयोग ज़्यादातर हो रहा है ना, कि फसल को नुकसान नहीं पहुँचाते, वो केवल खरपतवार को नुकसान पहुँचाते हैं और जिससे वो नष्ट हो जाते हैं, इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं टेंथ नंबर क्वेश्चन। टेंथ नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दसवें क्वेश्चन में कि निम्न वाक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो इस तरह के आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर इसमें दिया हुआ है, देखिए, फसल को चीनी मिल में भेजना, सिंचाई, कटाई, बुनाई। फोर्थ नंबर इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक, इसको सही क्रम में लगाना है। तो सही क्रम क्या हो जाएगी उत्तर में, देखिए, आपके मिट्टी तैयार करना फर्स्ट नंबर हो जाएगा, सेकंड नंबर उसके बाद हो जाएगा खेत की जुताई करना, थर्ड नंबर हो जाएगा बुआई करना, फोर्थ नंबर खाद देना, उसके बाद इसके आगे जो दिया हुआ है फिफ्थ नंबर, ये हो जाएगा फिफ्थ नंबर, ठीक, सिंचाई। सिक्स नंबर अगला क्या है, कटाई करना, और लास्ट में क्या है, फसल को चीनी मिल में भेजना, क्योंकि गन्ने से क्या तैयार होती है, गन्ने से चीनी बनाई जाती है। तो ऐसे आपका ये जो है उत्तर दिया हुआ है, इसको आप नोट्स में लिख लीजिए और रिमेंबर करिए अच्छे से। इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन यानी ग्यारहवां क्वेश्चन इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए, ठीक, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक, ऊपर से नीचे की ओर क्या होना चाहिए, अर्थात अगर जो हम ऐसे किसी भी शब्द को भरते हैं इसमें, तो क्या आना चाहिए, फर्स्ट नंबर में आपका आना चाहिए सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका आना चाहिए, ठीक। दूसरे नंबर पर क्या आना चाहिए, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। तीसरे नंबर पर फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। चौथे नंबर पर क्या होना चाहिए, फसल पक जाने के बाद काटना। तथा सिक्स नंबर जो डाला हुआ है, सिक्स नंबर ये, तो ऊपर से नीचे अगर जो ऐसे भरते हैं तो क्या होना चाहिए, फसल पक जाने के बाद काटना। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। और नीचे देखिए, बाएं से दाएं की ओर शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषण प्रदान करते हैं, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। तो इसका आंसर देख लीजिए, ये है, ठीक, यह इसका आंसर। फर्स्ट नंबर पे क्या बोला था, सिंचाई का तरीका राहत, और ऐसे क्या बोल रहा था कि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, शीत ऋतु में ये रवि की फसल है ना, ये है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें होती हैं। और देख लीजिए थर्ड नंबर पे क्या दिया था, थर्ड नंबर पे खरीफ की फसल आंसर होगा। फोर्थ नंबर पे जो बड़े पैमाने पर फसल उगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। इसी तरह से आपको भर लेना है। और सेकंड में जब मवेशियों को अच्छी तरह देखभाल किया जाता है, पाला पोसा जाता है, उनको क्या बोलते हैं, पशुपालन उनको बोलते हैं। थोड़ा सा नीचे देख लीजिए, नीचे क्या है आपका, उर्वरक जो पौधों को उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं, ठीक। कटाई, सिक्स नंबर का आंसर होगा कटाई, और सेवन नंबर का होगा निराई, खरपतवार को हटाने और नष्ट करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निराई बोलते हैं। तो इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। तो इस पार्ट में आपके इतने ही क्वेश्चन थे, हम आपको आसानी सभी क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से करवा दिए हैं। कोई भी दिक्कत है आप बताइए, आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। आप इतना काम कीजिए मेरे लिए, जितने भी आपके दोस्त हैं उनके पास ज़रूर शेयर कीजिए, हम आपको बेस्ट वीडियो उपलब्ध कराते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।